अय्यर भाई को फोन करूंगा तो 50 सवाल पूछेंगे, तो मुझे ही कुछ पता नहीं है तो उनको क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, बबीता जी को ही फोन करता हूँ। जेठालाल का फोन बबीता के मोबाइल पर, वो भी इतनी रात को। हाँ बबीता जी, आप जल्दी नीचे आ जाइए। क्यों, क्या काम है? कौन अय्यर भाई? हाँ बोलो। ओ सॉरी, आपको लग गया। जयरलाल, तुमने बबीता को ही फोन लगाया है, लेकिन बबीता सो रहा है इसलिए रिसीव मैंने किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया, दरअसल मुझे आपका ही काम है। हा? इतनी रात को? हाँ, आप और बबीता जी जल्दी से भिड़े के घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, अभी छोटी का फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता है। हाँ बबीता जी को भी लेके आइए। बबीता का क्या काम है, वो अभी सो रहा है। अरे भाई, माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो क्या, सब लेडीज होंगे तो अच्छा रहेगा ना, दया भी आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बबीता, लगता है सोसाइटी में आग लगी। तारा को उठिए, फायर ब्रिगेड आई। उठिए, सोसाइटी में आग लगी, फायर ब्रिगेड आई। कौन सी फायर ब्रिगेड? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही फायर ब्रिगेड की? अरे मेरे फोन का रिंगटोन है भाई। अंजलि, आपके फोन का रिंगटोन ऐसा? हाँ भाई, जेठालाल के नंबर के साथ सेट कर रखा है, क्योंकि उसका जब भी फोन आता कोई ना कोई तकलीफ या मुसीबत ही होती है। हे भगवान, तो फोन तो उठाइए। अरे उठा रहा हूँ भाई। हाँ भाई जेठाल, बोलो अभी क्या तकलीफ है, क्या किया तुमने? अरे नहीं भाई, वो छोटी का भी फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। क्यों? पता नहीं भाई, उसने बताया नहीं। आप जल्दी आइए, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है। यार क्या मुसीबत, आता हूँ भाई। ये पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है, सो रहा है क्या? अभी सो ही रहा होगा ना अभी। अरे हाँ सॉरी सॉरी। हेलो पप्पू, और जल्दी पीड़ू के घर आ जा, पीड़ू ने पूरे सोसाइटी मेंबर्स को घर पे बुलाया। क्यों भाई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ओ पप्पू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस फटाफट आ जा। तो कोई खुशी की बात है? हाँ खुशी की बात है, आ जा फटाफट आ जा। सुन सुन सॉरी, और ज्यादा सवाल ना पूछे इसलिए मैंने बोल दिया। खुशी की बात है, पक्का मेरे रिश्ते की बात होगी, और सारे सोसाइटी वाले मिलकर मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। चल 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 पोपटलाल, जल्दी भिड़े के घर चल। चल चल दया, घर की चाबी ली। ले लियो। बापूजी आप इस वक्त? मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी छोटी का फोन आया था तो सबको भिड़े के घर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है, इसलिए मैं और दया वहीं जा रहे थे। हाँ बापूजी। अच्छा तो चल, मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ। चल तो आप लोग जाइए, मैं घर में रुकती हूँ। क्यों? टप्पू घर में अकेला है ना। अरे तेरा टप्पू अभी छोटा किकला थोड़ी है भाई, वो बड़ा हो गया। चल चल अभी चल चल बहू, चल। माधवी बहू को टेंशन होगा तो लेडीज होता साथ में तो अच्छा रहे। टेंशन लाला पेड़ो, और शांत हो जाए यार, अपने सोसाइटी वाले होंगे यार, शांत रह। तुझे किसी ने मारा क्या? नहीं 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 चाचा जी, मुझे किसी ने नहीं मारा। ब्लैक मास्टर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है आती भाई। और कुछ ठीक नहीं है जी, ये झूठ बोल रहा है। देखो इतनी ठंडी में भी इसको इतना पसीना आ रहा है, बीमार हो गया तू। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं जेठालाल, मैं बीमार नहीं हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा टेंशन है बस। बड़े मास्टर टेंशन से ही सारी बीमारी। मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़े मास्टर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सारी बीमारियां टेंशन से ही होती हैं। हाँ नहीं नहीं आती भाई, मैं बीमार नहीं हूँ भाई। अरे भाई तब तो क्या है, मतलब आधी रात का हम सबको क्यों बुलाया है, क्या हुआ है भाई? हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ माधवी भाभी, बोली ना कुछ। बताता हूँ मैं सबको बताता हूँ मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन सबको पहले आ जाने दो। अरे पर अभी सब तो आ गए, और कौन बाकी है? हाँ
पोपटलाल नहीं है ना अभी तक। तूने आधी रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है? नहीं नहीं जेठालाल। तो क्यों बुलाया सबको आधी रात को भाई? हाँ सॉरी सॉरी, मैंने सबको आधी रात को बुलाया, लेकिन मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि बात बहुत गंभीर है। अच्छा तो क्या क्या बात क्या है भाई बता। बताता हूँ मैं सबको एक साथ बताऊंगा, पहले पोपटलाल को आ जाने दो। पोपटलाल पोपट बाबू जी कहाँ रह गए? आ गया आ गया आ गया आ गया। चल हेलो आ गया भाई मैं आ गया। हेलो 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 पोपट भाई, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं क्यों? ये सूट बूट, तू भी आजकल रात को सूट बूट पहन के सोता है? नहीं। अरे तो फिर इतना तैयार होके क्यों आयो? मिस ओडी ने मुझे फोन पे बताया कि खुशी की बात है, तो मैं समझ गया पक्का मेरे रिश्ते की बात है और आप सब मुझे सरप्राइज देना चाहते है, तो मौके के अनुसार तैयार होकर मैं आ गया। ओ पोपो तू ज्यादा सवाल ना करे, इसलिए मैंने बोला कि खुशखबरी है। डिब्बे तुझे शादी के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? अरे यहाँ इतना टेंशन है और तू अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। अरे ये देख भिंडी मास्टर के कपड़े फट गए और तू सूट पहन गया। बताइए चाचा जी क्या जमाना आ गया है। शान, भिड़ो क्या हो गया तुझे? भिड़ो अब तो पोपो भी आ गया, हूं तो दस की हो गया। मेरी बात तो सुनो। अरे तू खुद ही चिल्ला रहा है भाई। सॉरी सॉरी चाचा जी, देखिए मैंने आप सबको यहाँ पे इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप लोगों की सलाह चाहिए। आप पर किस बात पे सलाह चाहिए? बात बताएगी नहीं तो कैसे सलाह देंगे हम लोग? हाँ। बताता हूँ जेठालाल, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा धीरे से बात कीजिए। भीड़े भाई तुम गंभीर बात है क्या? कोई गंभीर बात है क्या? अरे दया वो मांड मांड बोल रहा था तो बीच में पूछ बैठी। अरे भाई शांति रखना, वो बता रहा उसको बताने दे। हाँ बता भाई भीड़े। पहली बार तो बोला मैंने। हाँ, दरअसल बात ये जेठालाल, आइए दरवाजा बंद करो पहले। कौन कौन? नहीं नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई आया ना जाए इसलिए। देखिए बैग मिली, बैग। अरे थोड़ा सा तो जोर से बोल भाई। हाँ कुछ सुना ही नहीं दिया भाई। एक मिनट। हाँ मुझे एक बैग मिली है, बैग। पिड़ो कमाल करता है तू, इतने रात को हमको ये ब्रीफकेस दिखाने के लिए बुलाया? सोड़ी ये सीधा साधा ब्रीफकेस नहीं है, 125 करोड़ का ब्रीफकेस है। व्हाट? चक्रो प्लीज कोई चिल्लाना नहीं है प्लीज। से बिस्किट नहीं है। ये असली सोना है। अरे 100 टच असली सोना है यार भाई। बता बता। अरे ये नहीं, ये तुमने झूठा कर दिया, दूसरा दे। अरे सोन्याची बिस्किट फेंकता है कसले? मैं तो पहली बार। मोर गोल्ड, ये तो बिल्कुल असली सोना है। सबका बाकी भिड़े, इतने सारे सोने के साथ तुम्हें ये बैग मिला कहाँ?
मिला नहीं है मेहता साहब, मुझे एक आदमी ने दिया है, वो भी जबरदस्ती। मतलब संभालने के लिए? नहीं, इनाम में दिया है। इनाम? इनाम में इतना सारा सोना? इनाम? इतना बड़ा? मेरे भाई, पर आपको इतनी बड़ी गिफ्ट किसने दी और क्यों? बबीता जी, ये सोने की बैग जिस आदमी की है उसकी मैंने जान बचाई, इसलिए उसने मुझे इनाम में दिया। पूरी बात सुनिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए। सॉरी सॉरी, अरे अरे हळू बोल, मेरे घर में चोरी करवाएगा क्या? ओए पेड़ो, अब फालतू की टेंशन मत ले। ओए जब तक तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोड़ी है ना, कोई भी चोर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि गोकुल धाम में आके चोरी करे। ओए पेड़ो, नहीं नहीं, करोड़पति पेड़ो, ये तो जश्न मनाने का वक्त ही आ रहा है। भाई बेटे, तू जरा विस्तार में बता, डिटेल में बता कि वो आदमी तुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और तू करोड़पति कैसे बना। आपको तो मालूम है मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने जाने वाला था, तो मैंने मनोज भाई से पेमेंट कलेक्ट किया और फिर मैं आ रहा था तो एक आदमी मुझे मिला। रिक्शा? मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो क्यों इतनी पीते है भाई? इतने भेटला बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए, रुक जाओ। ए तुम रख लो, मेरे जान बचाने की छोटी सी कीमत है। और इस तरह मेरे लाख मना करने के बाद भी उस आदमी ने ये बैग मुझे इनाम में दी है, ये मेरा बड़ा टेंशन है। अरे इसमें टेंशन क्या है भाई? हाँ, अरे टेंशन तो है ना जेठालाल, इतने सारे सोने के बिस्किट का मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई आदमी बिना किसी जान पहचान के जिंदगी में तुम्हें पहली बार देख रहा है और इतना सारा सोना कैसे दे सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा मेहता साहब, ये 125 करोड़ का सोना है। अच्छा एक बात बताओ बड़े, जिस आदमी ने तुम्हें ये सोना दिया वो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? मतलब ये बड़े कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था, उसकी वेशभूषा कैसी थी, स्वभाव कैसा था, मतलब वो अपने कपड़ों से कैसा लग रहा था, कोई गुंडा मवाली था, ऐसा कोई सड़क चलता आदमी था या कोई शरीफ खानदान का आदमी लग रहा था? हुलिया, हुलिया, हुलिया। हाँ। नहीं, नहीं, स्वभाव और पहराव से तो वो किसी अच्छे घर का ही लग रहा था। अच्छा, तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन तो होगा ना जेठालाल, ये सोना मेरे कमाई का नहीं है, मुझे इनाम में मिला है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? भीड़ भाई एक बात बताइए, जब वो भाई ने आपको सोने के बिस्किट दिए तब उन्होंने खुशी खुशी दिए थे? हाँ। बस तो उन्होंने खुशी खुशी दिए तो आप खुशी खुशी रख लीजिए। हाँ बिड़ू। अरे लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आए तो उनका अपमान थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। सही बात है। और भीरे भाई, इस आदमी ने आपको अपनी मर्जी से ये सोना दिया है, आपने चोरी थोड़ी की है। और ये भी ठीक है। बिल्कुल बराबर कहा बबीता जी आपने। हाँ भीड़े भाई, तो ये सोना रख ले, बबीता जी का, अय्यर भाई का, मेरा, दया का, सबका यही मानना है ना अय्यर भाई, बराबर ना? ओ पिड़ो, ओ मेरा भी यही मानना है। और तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है तो इसके लिए तेरे को इतना बढ़िया फल मिला है। ओए मीठा फल है, रख ले और फर्स्ट क्लास खा ले। लेकिन सूढ़ी, इनाम देने वाला आदमी नशे में था, नशे में। तो पिड़ो, और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। हाँ, पर कोई कितना भी नशे में हो, 5 किलो सोने के बिस्किट थोड़ी कोई किसी को देगा। सही बात है माधवी बाबी, बड़े मास्टर तुम करोड़पति बनने की खुशी मनाओ यार। आती भाई कैसे खुशी मनाऊं, ये सोना रखना मेरे उसूलों के खिलाफ है।
अरे भाई वो आदमी जब तुम्हें ये बैग दे रहा था तभी कहाँ गए थे तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा उसूल? जेठालाल मैंने तुम्हें बोला ना, उस आदमी ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, वो टैक्सी में बैठ के चला गया और मुझे मालूम नहीं था कि इस बैग में सोने के बिस्किट है। एक मिनट भिड़े, तू कह रहा है कि वो आदमी नशे में था? अभी नशे में होने के बावजूद भी उसने सोने से भरा बैग तुझे दिया, तुझे बोलने का मौका नहीं दिया और खुद टैक्सी में बैठ के चला गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो इतना भी नशे में नहीं था। वो भली भांति जानता था कि वो क्या कर रहा है, बराबर कि नहीं? सही बात भाई भिड़े, उसने खुशी खुशी तुझे ये बैग दिया है तो मेरे हिसाब से तो तुझे रख लेना चाहिए। ओ बराबर है, आहो वो आदमी सच में आपको इनाम में सोना देना चाहता था। अच्छा मैंने माना कि वो मुझे इनाम देना चाहता था, लेकिन इतना कीमती इनाम? और जान बचाने की थोड़ी कोई कीमत होती है, वो कि नहीं? नहीं नहीं माधवी, देखो ये इनाम रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है, हम लोग इसे नहीं रख सकते। अच्छा मान लेते कि तुझे ये सोना उस आदमी को वापस पहुँचाना, हाँ। तो कैसे पहुँचाएगा भाई, उसका कुछ नाम होता पता तुमको पता है? अदनान एक काम करो, इस बैग को चेक करो, हो सकता है इसमें उस आदमी का कोई विजिटिंग कार्ड हो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। करेक्ट, जेठा एक मिनट पकड़ो। हाँ। शायद मिल जाए। अच्छा अच्छा गुड आइडिया, कुछ नहीं है, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जिस सोने के लिए अब तुम इतना टेंशन ले रहे हो, जिस वक्त ये सोना मिला था अगर तुम्हें नहीं रखना था तो तुम उसी वक्त पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले गए? मेहता साहब मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, इनफैक्ट निकला भी था, लेकिन सुनसान सड़क थी, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी, ऊपर से मेरे हाथ में ये इतना महंगा सोना और मेरा मोबाइल भी टूट चुका था। माधवी चिंता कर रही होगी ये सोच के मैं पहले यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं चलो, तुमने जो किया अच्छा किया, अभी ये सोने का स्वीकार करो और शांति से सो जाओ। अरे क्या सो जाए जड़ेलाल, ये सोना चोरी का हुआ तो? यही सोच के तो मुझे टेंशन हो रहा है यार, अगर ये सोना चोरी का हुआ था तो मैं फंस जाऊंगा। सही बात। अरे लेकिन उसने तुमको बोला था ना कि भाई ये सोना उसकी मेहनत का है। हाँ तो जड़ेलाल चोरी करने के लिए भी मेहनत लगता है। आपको कैसे पता है? क्या मतलब? अरे भाई भिड़े तो मेरी बात मान, उसने खुशी खुशी सोना दिया तो स्वीकार कर ले भाई। सही बात। क्या हाथी भाई आप हर बात पे सही बात कह रहे, कोई एक बात पे सही बात कहिए भाई। पुपटलाल मुझे पहली बार सुनने पे हर बात सही लगती है, इसलिए मैं सही बातें बोलता हूँ। भिड़े मास्टर तुम ज्यादा टेंशन लेके अपनी सेहत मत बिगाड़ो। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैंसल कैंसल भाई, बाकी सब सोचना कैंसल कर और जैसा मैं बोलूं वैसा कर। क्या भाई तू ये सारा सोना अपनी किस्मत या कर्मों का फल समझ के रख ले। हाँ, बराबर मस्त है। मैंने तेरे को सवेरे ही बोला था, किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता, अभी तेरी किस्मत ने टर्न ले लिया तो उसको रब की मेहर समझ। अरे बिड़ा समझ ले, तेरा राजयोग शुरू हो गया। पर हमने कितनी कहानियां नहीं सुनी है जिसमें राजा का कुंवर या कुंवरी बीमार होते हैं तो वैद्य आते हैं उनको ठीक कर देते हैं, तो राजा खुश होकर उनको इनाम में 5-6-10 ऐसे गांव दे देते हैं। तो समझ ले आज के टाइम में तुझे ऐसा एक राजा आदमी मिल गया जिसने खुश होकर तुझे ऐसे सोने से भरी बैग दे दी। भीड़े भाई समझिए कि आपकी किस्मत पलट गई। मेरी माँ हमेशा कहती है जब किस्मत खुलनी होती है ना तो किसी भी जरिए खुल जाती है। सही बात है। चाचा जी आपका क्या कहना है? देख भाई भिंडी मास्टर, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अब हम में से कोई तुझे कहेगा कि ये सोना रख ले और कोई तुझे कहेगा कि सोना लौटा दे। मेरे हिसाब से तो ये तुझे नक्की करना है कि तुझे सोना रखना है या लौटा देना। रखते सर। इस वक्त कौन आया होगा? कौन इस वक्त डोरबेल बजा रहा है? मुझे तो इस वक्त ये डोरबेल की आवाज बिल्कुल बॉम्ब की आवाज की तरह लग रही है। एक तो भिड़े के घर में इतना सोना किसने दिया, क्यों दिया, यही समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कोई आ गया है, क्या करें?
आपके पास कुछ सुझाव है तो दीजिए ना प्लीज, सोने को रखें या नहीं रखें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और इस वक्त कोई आ गया है। ये इस वक्त जो दरवाजे पे घंटी है मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, दरवाजे के बाहर कोई हंगामा ना हो कि खुलते अंदर आ जाए। ये भगवान, अब कोई और हंगामा नहीं चाहिए, ये सोना अंदर वैसे ही बहुत मुसीबतें लेके आया है, कि नया हंगामा होगा या क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.